कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मानहानि केस में जो 2 साल की सजा थी, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को इस पर स्टे लगा दिया। इसके बाद कांग्रेस में अलग ही उत्साह देखा गया, बल्कि कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के साथियों में भी खुशी देखी गई। इसी बीच राहुल गांधी शुक्रवार देर शाम लालू यादव से सीधे मिलने पहुंचे। दरवाजे पर गुलदस्ता लेकर लालू यादव स्वागत करने के लिए खड़े थे। लालू के हाथों में गुलदस्ता देकर राहुल गांधी मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा लिया, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। गले लगते वक्त भी गुलदस्ता लालू यादव के ही हाथों में था। इस दौरान दोनों की गर्मजोशी देखते बन रही थी। ऐसा लग रहा था कि कितने दिनों के बाद दोनों की मुलाकात हो रही है, वो भी पॉजिटिवली। दरवाजे पर 2-4 शब्दों की फॉर्मेलिटी के बाद राहुल गांधी को लालू यादव अंदर कमरे में ले गए, जहां बिहार के डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और आरजेडी के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद थे। लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात की जो तस्वीरें निकल कर सामने आई, उसमें दिख रहा है कि कमरे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक ही सोफे पर बैठे हैं। माहौल काफी खुशनुमा है। राहुल गांधी से लालू यादव कुछ कह रहे हैं और तेजस्वी के हाथ में राहुल गांधी का हाथ है। ऐसा लग रहा है कि राहुल से किसी बात की गारंटी लालू यादव ले रहे हैं और राहुल गांधी उस पर पूरी तरीके से सहमति जता रहे हैं। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, केसी वेणुगोपाल, अखिलेश यादव, अखिलेश सिंह, भगचरण दास और लालू के दामाद बैठे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। राहुल गांधी को मिली सजा पर रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि इसके बाद राहुल की संसद सदस्यता बहाल होने के साथ साथ उनके चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। सूरत की कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इसे सहयोग ही कहे कि इसके बाद लालू यादव से मिलने राहुल गांधी पहुंचे थे। राहुल ने लालू के घर ही डिनर भी किया। मीसा भारती के आवास पर विशेष तैयारी की गई थी। मानहानि मामले में राहुल को राहत मिलने के बाद राजनीतिक गतिविधियां अचानक बढ़ गई। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यालय में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, फिर तमिलनाडु के पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक भी की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात के दौरान इंडिया के संयोजक के नाम पर चर्चा हुई। इसके प्रबल दावेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माना जा रहा है। अगस्त के आखिर में इसकी अगली बैठक मुंबई में होने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।